हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग स्पेशल इफेक्ट ऑफ टेक्स्ट की बात करने वाले हैं। आज हम लोग टेक्स्ट के ऊपर स्पेशल इफेक्ट को यूज करने वाले हैं। चलिए हम बिना देरी करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले मिसिंग तरफ से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो हमें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आगे आने वाली क्लासेस आपसे कभी मिस ना हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। इस वक्त हम लोग वर्ड के अंदर है और यहाँ पे आपको केवल एक लाइन दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ स्पेशल इफेक्ट ऑन टेक्स्ट। तो हम इसके ऊपर स्पेशल इफेक्ट आज यूज करके देखेंगे। इसके ऊपर हम लोग इसे थोड़ा कस्टमाइज करके देखेंगे हम इससे क्या क्या स्पेशल इफेक्ट यूज कर सकते हैं। स्पेशल इफेक्ट यूज करने के लिए हम सबसे पहले इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसे यहाँ पे देखिए टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी लिखा हुआ है। हम इस वर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ये लिस्ट दिख रहा होगा। ये हमारे वर्ड आर्ट का लिस्ट है। मैं जिस भी वर्ड आर्ट के ऊपर ले जाता हूँ अपने कर्सर को, वहां उसका आपको इफेक्ट अप्लाई होता हुआ दिखता होगा हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट के साइज को पहले बड़ा कर लेता हूँ। मैं इसके साइज को 68 कर लेता हूँ, सॉरी 48 कर लेता हूँ। और मैं स्पेस के ऊपर से डार्क मोड को रिमूव कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं अभी हमारे पेज के ऊपर से डार्क मोड रिमूव हो गया। हम वापस होम के अंदर आएंगे, इस पैराग्राफ को, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम वापस इफेक्ट के ऊपर आएंगे। अगर मैं किसी भी इफेक्ट को यूज करूं, आपको उससे होने वाले चेंजेस आपको यहाँ पे बड़ी आसानी से दिख सकता है। ये देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे तो फील है, इसमें गोल्ड है, एसेंट है, कलर फोर यूज किया गया है, सॉफ्ट ब्लेज है, सब जो भी यूज किया गया आपको वहां पे ये दिख रहा होगा। ये देखिए, तो आप इस तरह से किसी भी टेक्स्ट इफेक्ट का यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। लेकिन आप चाहते हैं कि आप ये जो प्री डिफाइन है या प्री सेट है, आप इसका यूज नहीं करना चाहते, आप खुद से कस्टमाइज करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं आप जिसका यूज कर सकते हो। तो हम बात करते हैं आउटलाइन की। सबसे पहले यहाँ पे आउटलाइन में हम टेक्स्ट के चारों तरफ कौन सा कलर देना चाहते हैं, तब इसे चाहते ग्रीन रेड को अप्लाई करते हैं। इस वक्त देखिए हमारे टेक्स्ट चारों तरफ आपको एक रेड कलर दिख रहा होगा। हम इस आउटलाइन को बढ़ा और घटा भी सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस आउटलाइन के ऊपर आएंगे, यहाँ वेट, और इसे हम अभी बढ़ा सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आउटलाइन बढ़ रहा है और ये आउटलाइन यहाँ घट रहा है। तो अभी से टेक्स्ट की आउटलाइन को यहाँ से बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। अब यहाँ से टेक्स्ट की आउटलाइन को मैनेज बड़ी आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास थीम कलर है और यहाँ पे स्टैंडर्ड कलर है, आप इनमें से कोई भी कलर को अप्लाई कर सकते हो। अभी बस एक ऑप्शन है नो कलर का, आप नो कलर भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मोर आउटलाइन कलर अगर चाहते हो तो आप मोर आउटलाइन कलर भी दे सकते हो। और अगर आप डैश आउटलाइन देना चाहते हो या फिर आप कोई और भी लॉन्ग डैश आउटलाइन देना चाहते हो, तो आप इन सबको यहाँ पे बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं शैडो की, तो इसमें आप शैडोज को भी अप्लाई कर सकते हो। हमारा जो पहला है वो नो शैडो है, उसके अलावा दूसरा जो सेशन यहाँ मिलता है वो आउटर का मिलता है। अगर हम शैडो आउटसाइड देना चाहते हैं तो हम आउटर का यूज करेंगे। उसके बाद हमें मिलता है प्रीज प्रिकेटिव, तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप टेक्स्ट के ऊपर जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपको दिख रहे होंगे। मैं इसे अप्लाई कर दूँ तो ये देखिए आपको यहाँ पे एक शैडो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं इन शैडोज को और भी कस्टमाइज कर सकता हूँ। इसके बाद आपके पास यहाँ पर रिफ्लेक्शन का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ देख सकते हैं आप रिफ्लेक्शन भी आप सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप इन टेक्स्ट के ऊपर रिफ्लेक्शन देना चाहते हो तो आप रिफ्लेक्शन को भी यहाँ पे सेट कर सकते हो बड़ी आसानी से। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन ऑप्शंस भी देखने को मिलता है, मैं इन सारे ऑप्शंस के बारे में आगे बात करता हूँ। यहाँ पे ग्लो है, ग्लो का क्या काम होता है, आप टेक्स्ट के चारों तरफ ग्लो एक लाइट को दे सकते हो। यहाँ देखिए जैसे कि इस टेक्स्ट के चारों तरफ अभी आपको एक ग्लो दिख रहा है, एक लाइट दिख रहा होगा। मैं बात करूँ तो अब देखिए आपको वो ग्लो कुछ और बदलता हुआ दिख रहा होगा। मैं इसके ऊपर आता हूँ तो आपको ग्लो जो है उसका कलर थोड़ा डीम होता हुआ दिखा होगा। यहाँ पे इसके कलर को चेंज किया गया है। अगर आप कोई और दूसरा कलर का ग्लो देना चाहते हैं तो आपको इसके यहाँ पे मोर ग्लो कलर के ऊपर क्लिक करना है और आप जिस भी कलर का ग्लो देना चाहते हैं चारों तरफ आप वो यहाँ पे दे सकते हो। तो इस तरह से आप ग्लो को भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे नंबर्स स्टाइल भी आप दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे नंबर्स तो है नहीं तो मैं इसके ऊपर नंबर्स को यूज नहीं कर सकता। यहाँ पे इसमें कुछ और भी ऑप्शन है जिसका आप लोग यूज यहाँ पे कर सकते हो। मैं अब बात करता हूँ मोर ऑप्शन की।
हमने आउटलाइन सेट किया, हमने शैडो सेट किया, हमने रिफ्लेक्शन सेट किया, हमने ग्लो भी सेट किया, लेकिन इसके अंदर मोर ऑप्शंस का हमें मिल रहा था, लेकिन हमने मोर ऑप्शंस का यूज नहीं किया। तो हम लोग चलते हैं मोर ऑप्शंस का यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मैं शैडोज के ऊपर आऊँ, यहाँ पे मैं देखिए शैडो ऑप्शन दिख रहे हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने एक अलग एक सेक्शन ओपन हो जाता है जिसके ऊपर मैं यूज कर सकता हूँ। यहाँ देखिए हम शैडोज को अप्लाई करना चाहे तो शैडोज को फॉर्मेट कर सकते हैं, रिफ्लेक्शंस को हम चेंज करना चाहे तो रिफ्लेक्शंस को फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर हमारा जो सॉफ्ट एज है उसका किनारा अगर हम उसे कस्टमाइज करना चाहते हैं तो हम उसे कस्टमाइज कर सकते हैं, या फिर हम उसे 3D फॉर्मेट देना चाहते हैं तो हम 3D फॉर्मेट भी यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए शैडोज के आप कलर को यहाँ से चेंज करना चाहो, अभी तो बाय डिफॉल्ट ये ब्लैक था, आप इसे रेड करना चाहो, येलो करना चाहो तो आप यहाँ से बड़ी आसानी से यहाँ कर सकते हो, और आप ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, ये आप खुद से यहाँ सेट कर लो। यहाँ साइज आप इसको कितना रखना चाहते हो, टेक्स्ट की साइज, शैडोज की साइज को आप उसे भी यहाँ से सेट कर सकते हो। ब्लर आप कितना ब्लर करना चाहते हो आप उसे ब्लर भी कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद आप एंगल, आप कितने एंगल पर उसे बेंड करना चाहते हो तो आप उसके साथ एंगल्स को भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। फिर आप यहाँ डिस्टेंस, आप कितनी दूरी पर उसे सेट करना चाहते हो आप उसे डिस्टेंस को यहाँ पे सेट कर सकते हो। इस तरह से आप इन सारे शैडोज को कस्टमाइज करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ में हम बात करें रिफ्लेक्शन की तो आप रिफ्लेक्शन को यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो और फिर यहाँ पे ग्लो है, आप इसी तरह से ग्लो को भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं ग्लो को चेंज करूँ, यहाँ पे आप रिफ्लेक्शन को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप इसे के जो ट्रांसपेरेंसी से बढ़ा घटा सकते हैं, साथ में आप इसके साइज को बढ़ाना घटाना चाहते हो तो आप साइज के को बढ़ा और घटा सकते हैं, ब्लर के साइज को आप बढ़ाना या घटाना चाहते हो तो आप उसे भी यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि हम लोग कैसे ग्लो का यूज करते हैं, हम लोग कैसे आउटलाइन का यूज करते हैं, हम लोग कैसे शैडो का और कैसे हम लोग रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं। ऐसा करता हूँ क्लास आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में। इसी से यहाँ पे ऑनलाइन क्लास पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तक लिया नाइस डे, थैंक यू।